आचार संहिता लगते ही पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश अनुसार व एसडीओपी सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस और सिविल लाइन पुलिस ने झड़िया कंजर डेरा पर मुखबिर की सूचना पर की कार्यवाही और पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने करीब 40,000 लीटर कच्ची शराब के साथ ओपी भी जब्त की है। भट्टी लगाकर कंजर बना रहे थे कच्ची शराब, पुलिस को देखकर भागे शराब माफिया। पकड़ी गई शराब की कीमत बाजार में करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कुछ मौके पर कुछ शराब बनाने वाली महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ करने के बाद महिलाओं ने बताया कि एक तिलकधारी नेताजी यहाँ आते थे, वह भांडेर चुनाव के लिए यह शराब बनवा रहे हैं, यदि वह सामने आएंगे तो हम पहचान लेंगे। शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस व सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर एसडीओपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में कोतवाली टीआई धनेंद्र भदौरिया व सिविल लाइन टीआई रविंद्र गुर्जर की कार्यवाही है। आज कहाँ पर दबिश दी है, क्या कार्रवाई की? आज से चुनाव आचार संहिता लगती है। चुनाव आचार संहिता को लेकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमने ये झिरिया के डेरा पे तबीज दी मुखबिर की सूचना पर। तो वहाँ भांडेर उपचुनाव के लेकर यहाँ के कुछ ये झोंपड़ी और घर वालों ने बताया है कि कोई तिलकधारी आता था, वो बनवा रहा है, उसको वो सामने आने पे पहचान लेंगे। करीब 40 लाख रुपए की दारू अभी पकड़ी है और अभी तलाश जारी लगातार जारी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी श्री रविंद्र गुर्जर और मैं, हम दोनों ने ही यहाँ कंटिन्यू लगातार दोनों दबिश दे रहे हैं। उसी दबिश के दौरान आज एक सूचना पर ये कार्रवाई की है। कितने हजार लीटर दारू है करीब? अभी करीब 40,000 लीटर तो मिल चुकी है, लेकिन अभी और मिल रही है। कितनी कीमत की होगी पूरी टोटल? ये करीब 40 लाख के आसपास है। कौन किसकी संरक्षण में बताई जा रही है, कौन है? वो चार महिलाएं अभी उनसे पूछताछ की है, उनको थाने भिजवाया है। तो वो हमारी सब इंस्पेक्टर महिलाएं हैं, तो वो बता रही थी उनको कि कोई तिलकधारी है जो भांडेर में चुनाव उनाव के लिए शायद इसका यूज करेगा। तो महिलाओं का ये कहना है कि सामने आने पे पहचान लेंगे। ठीक, द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन का मामला है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी में मुखबिर सूचना मिली कि झड़िया के निकट कंजर बस्ती है, वहाँ पर अवैध शराब कच्ची बनाई जा रही है। उसी के तारतम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीआई सिविल लाइन और कोतवाली को निर्देशित किया गया था कि कार्रवाई की जाए। तो ये दोनों द्वारा मौके पर पहुँच कर वहाँ पर 40 ड्रम कच्ची शराब मौके पर पाई, जिसमें से 15 ड्रम शराब जो है जब्त की गई है, शेष शराब जो है मौके पर नष्ट की गई है। कोई पकड़ा है सर? जी, इसमें एक महिला है श्रीमती श्री देवी, पत्नी दिनेश कंजर, उम्र 35 साल, निवासी जड़िया। तो ये इनको अभी गिरफ्तार किया गया है मौके से और ये दारू इन्हीं की बताई जा रही है। कोई तिलकधारी की बताया जा रहा है, कोई के महिला के द्वारा तिलकधारी नेता है, क्या है तिलकधारी? जी, जब इससे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि भांडेर विधानसभा उपचुनाव में कोई तिलकधारी नेता आते थे तो वो ये शराब बनवा रहे थे विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए। तो इनसे पूछताछ की जा रही है। तिलकधारी नेता की तलाश की जा रही है, कौन है? जी, इनसे पूछताछ की जा रही है, तलाश की जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की।